हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम सभी डेक से चेक करेंगे आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। स्पेशल थिंकिंग होगी आज के दिन। तो गाइस हम इसमें चार्म्स रीडिंग करेंगे, डाइस रीडिंग करेंगे, उनकी तरफ से लव मैसेज दो दो डेक से देखेंगे, ठीक है। और चार डेक से हम उनकी एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है BDE GHK NOP QT VW, ठीक है। और सेकेंड पाइल है हमारे पास AICF MUXZ LRJYS। आपके पार्टनर के जो भी इनिशियल्स हैं वो आप देख लीजिए, जिस भी फाइल में आते हैं उसके हम रीडिंग करेंगे। तो गाइज अभी हम फर्स्ट फाइल की रीडिंग करेंगे, BDE GHK NOP QT VW, इसकी हम रीडिंग करने जा रही हैं और डिटेल रीडिंग चेक करेंगे। गाइज आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस डिटेल रीडिंग चेक करने वाली हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे। इतनी डिटेल रीडिंग किसी चैनल पर नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए गाइस आपके सामने ही मैं कार्ड निकालती हूँ। फर्स्ट फाइल जिन्होंने भी चुनी है हम उसके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पार्टनर के इनिशियल्स होने चाहिए ये BDE GHK NOP QT VW, ठीक है। देखते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलिए गाइज देख लेते हैं। वाओ गाइज, फर्स्ट कार्ड सेलिब्रेशन, खुश हो जाइए, सेलिब्रेट करने वाले हैं आज तो। हैप्पी शिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे, शेयरिंग भी करेंगे आपके साथ में, कुछ शेयर करने वाले हैं गाइज। हो सकता है कि अपनी कोई बात करने वाले हैं, जो अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है आपको वो कहने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ आज खुशियां मनाने वाले हैं, अपने जो है क्लियर कट कम्युनिकेट करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे गाइज दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेट करने वाले हैं आप, और कॉन्शियसनेस यानी कि उनकी जो इंट्यूशन है वो जो है उनको बता रही है, कुछ ना कुछ तो गाइडेंस दे रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं। वाओ गाइस, ब्रेक थ्रू। सभी कुछ फाड़ फूड़ करके वो बाहर निकलना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी जिस सिचुएशन में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कहीं जॉब में फंसे हुए हों, चाहे वो कहीं भी फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं गाइस, ठीक है। उस सिचुएशन को छोड़ छाड़ करके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है इंटेंसिटी, वो बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैंने बताया कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन पावर जो है उनको गाइडेंस दे रही है, इसलिए जो है वो सारी चीज़ों को छोड़ करके और आपकी तरफ आना चाहते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है, बहुत ही आवेग के साथ में, बहुत ही वेग के साथ में आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे है प्रोजेक्शन। मुझे यहाँ पर गाइज लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं, कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे उनसे मिलने के लिए, उनसे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, हर चीज़ को शेयर करना। तो इस तरह की ही एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही गाइज कि आप मिरर कर रहे हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं वही मिरर करते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ड्रीम भी लेते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रातों दिन वो ड्रीम लेते हैं और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे आपके पार्टनर की स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ही अच्छी मिली है गाइस। तो आज के दिन आपके पार्टनर काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, सभी चीज़ों को छोड़कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकते खुशी के पार्टनर तो आ भी गए होंगे आज, ठीक है, शिवरात्रि के अवसर पर। और कुछ के पार्टनर जो है अभी नियर फ्यूचर में यानी कि कुछ टाइम में आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में फंसे हुए वहाँ से छोड़ छाड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ड्रीम भी लेते हैं यहाँ पर, मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से क्या निकल कर आता है। वाओ गाइस, ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे वो। हो सकता है किसी के पार्टनर आ भी गए हों जब तक आपको ये वीडियो मिले, और हो सकता है कि किसी के पार्टनर आने वाले हों। अभी तो वो दुनिया से लड़ जाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो
जिन्होंने भी उनके साथ में थर्ड पार्टी में जो चाल चली थी, जो धोखा दिया था उनको, वो सब कुछ उनके सामने आ रहा है, ट्रुथ सामने आ रही है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनसे वो क्लियर कट कम्युनिकेट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं गाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे व्हील ऑफ द फॉर्चून भी मिला है, यानी कि अभी जो है थर्ड पार्टी को छोड़ करके जहाँ पर उनको धोखा मिला है और आपसे वो क्लियर कट कम्युनिकेट करेंगे और थर्ड पार्टी से भी क्लियर कट कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ में एक हैप्पी लाइफ देखते हैं, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बता रहा है कि उनके कर्मा जो थर्ड पार्टी में थे वो क्लींज हो गए हैं, इसी वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो गॉड से जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कार्ड मिला है, नेक्स्ट जो कार्ड मुझे मिला है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, कि आप इतने अच्छे पार्टनर है, एक अच्छे कंपेटिबल पार्टनर है, आप एक स्टेबल पर्सन है, जो है गिवर है, आप देते रहते हैं, आप कभी भी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन आप जो है देते रहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इसलिए आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक अच्छा कंपेटिबल पार्टनर है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको फ्रीडम पसंद है मेरे व्यूवर्स को, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा जो है अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में अभी आपका ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे, और इसी वजह से जो है आप अपने पार्टनर को अभी इस टाइम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है सडनली चेंज हो रही है कि ये पर्सन शायद मुझे भूल गया है, इस वजह से उनको जो है आपकी याद आ रही है और वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पार्टनर जो है मैं खो ना दूँ, उनको खोने का डर है, आपको खोने का डर है, ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है कि कहीं ये पार्टनर मेरे लाइफ से निकल ना जाए, यानी कि मेरी लाइफ से चला ना जाए अगर मैं ज़्यादा दिन तक दूर रहा, या मैं नो कांटेक्ट में रहा या नो कम्युनिकेशन में रहा, क्योंकि काफ़ी स्टेबल पर्सन है आप, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत टेंशन हो रही है, वो आपको खोने से डरते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आपको एक जैसे कह सकते हैं कि एक एंजल मानते हैं, या आप साक्षात लक्ष्मी के रूप में उनकी लाइफ में आए हैं, कि क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, जैसे बरसात हो रही हो पेंटिकल्स की, है ना, जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं तब से कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भी आई हैं, अबंडेंस मिला है उनको, खुशियाँ मिली हैं हर टाइप से, ठीक है, हो सकता है उनको जॉब मिली हो सकता है कि उनको प्रमोशन हुआ हो जॉब में, है ना, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक माता लक्ष्मी से कम नहीं मानते हैं, कि ये इनके आने से मेरी लाइफ में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है, अबंडेंस आया है, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है। और उसी के जस्ट नीचे है किंग ऑफ कप्स, वो जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पहले उन्होंने हो सकता है कि शो नहीं किया अपने लव को, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि आपको वो अपना प्यार भी बताएं, अपनी फीलिंग्स को भी बताएं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आपकी तरफ जो है आना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे मिला है, कि वो खुशियाँ मनाना चाहते हैं आपके साथ में, जो वो पल आपके साथ में पहले कभी उन्होंने बिताए थे वही पल फिर से आपके साथ में देखना चाहते हैं। चलिए अभी हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं, नेक्स्ट मूव क्या लेंगे वो, और फिर गॉड का गाइडेंस भी देखेंगे और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। स्लिपरी डेक है ये, देखिए वाओ गाइस, टेन ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिज आपके साथ में देखते हैं वो, ठीक है, यानी कि एक अपने बच्चों के साथ में एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, और आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लोग भी उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं कहीं ना कहीं जो है, और आपको भी उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली वो देखते हैं। वाओ गाइस, बैलेंस, अभी वो बैलेंस बना रहे हैं, इससे पहले तो हो सकता है कि वो काफ़ी जो है मतलब गुस्से में रहते हों, जब भी कभी बात करती हो तो गुस्से में रहते हों, उससे पहले तो वो लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा लेते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये पानी में देख रहे हो आप, एक पाँव जो है उनका वाटर में है और एक बाहर है ज़मीन पर, ठीक है, तो अभी उनके अंदर इमोशंस आने लगे, बैलेंस बना रहे हैं गाइस, ये देखिए एक ज़मीन पर है एक पानी में है, बैलेंस बन रहा है, यहाँ पर टू कप हैं, ठीक है, पहले उन्होंने जो है हर चीज़ को लॉजिकली माइंड से चले थे वो पहले, लेकिन अभी उनके दिल में प्यार भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है, इमोशनली वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, इससे पहले तो उन्होंने कभी आपको शो नहीं किया अपना प्यार, क्योंकि वो
छुपाते रहते थे और कहीं ना कहीं जो है उनकी एनर्जी भी बैलेंस नहीं थी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज अभी वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपसे और उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। वो ज़्यादा जो है गुस्से में रहते थे हमेशा, अपना ही हुक्म चलाना, अपनी बात को महत्व देना, हर चीज़ थोपना दूसरे के ऊपर, इस तरह की उनकी पहले एनर्जी थी गाइज। अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। अभी वो थोड़ा पेशेंस के साथ चल रही हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और जो है आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली भी देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे कार्ड मिल रहे हैं गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। और गाइस जो इसे रीडिंग से रेजोनेट नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी तक अभी पहुँचा नहीं है, उसको काफ़ी जो है कर्मास जो है फेस करने हैं, अभी तक वो अपने कर्मास को क्लींज नहीं कर पाया है, इस वजह से उनको ये रेजोनेट नहीं होती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ड्रीमर्स अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। अभी वो लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं और एक न्यू स्टार्ट आपके साथ में करने वाले हैं। ये देखिए दो दो कार्ड ड्रीमर्स के आए हैं, यहाँ पे देखिए वो आपके ड्रीम लेते हैं और कहीं ना कहीं एंजल्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आगे धकेल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप स्टक होकर के ना रहें लाइफ में, आप लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर मुझे बहुत ही जो है गुड इंडिकेशन मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी जो है न्यूज़ मिल रही है गाइज। ये देखिए नेक्स्ट जो है हमारा थ्री ऑफ कप्स अगेन आया है, थ्री ऑफ कप्स, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे गाइज। देखिए डबल डबल कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, न्यू बर्थ सेलिब्रेटिंग जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक एंगेजमेंट वेडिंग प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड। देखिए अभी जो है अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये गुड टाइम है, और एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी गुड टाइम है, ठीक है। अगर आप अपनी स्टडी को आगे ले जाना चाहते हैं तो वो भी गुड टाइम है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हर तरह से आपके लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। और वो अपनी फैमिली को ही चूज करेंगे, अभी थर्ड पार्टी से जो है लटको करके और आपकी तरफ आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। अभी हम गॉड मैसेज देख लेते हैं कि क्या गॉड कहना चाह रहे हैं। देखिए गाइस, जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना था, प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। यानी कि आपको क्या करना है कि धरती माँ की रखवाली करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाना है, ठीक है, और लोगों को गाइडेंस भी देना है, लोगों को प्रकाश दिखाना है, यही आपके सोल का पर्पस है, ठीक है। वाओ गाइस, देखिए सौपन, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा, यानी कि गॉड यही कह रहे हैं कि मैं आपको जो है ड्रीम में आकर के बताऊंगा कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है, क्या करना है जीवन में। तो आप हमेशा जो है ध्यान रखना कि जब भी कोई आपको ड्रीम आता है, किसी टाइप का ही जो आपको इंडिकेशन गॉड देते हैं, तो आप उनको के ऊपर ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज। वाओ गाइस, देखिए यू आर माय ट्विन फ्लेम, यू आर माय ट्रू लव, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, ट्रू लव हैं, उनको कहीं ना कहीं पता चल गया है। अभी देखिए आई कांट इमेजिन माय लाइफ विदाउट यू इन इट, आपके बिना वो कल्पना भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ की। योर ड्रीम्स ऑफ मी आर एक्यूरेट, ठीक है। वी हैव समबडी, आई विल बी यू मैन वुमेन, यू आर माई ट्विन फ्लेम सोलमेट अगेन। देखिए गाइज, आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ, और कुछ उनके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यू आर इग्नोरिंग मी व्हाई आई डोंट लाइक इट, आप उनको इग्नोर करते होंगे कि मुझे तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं जाएं कुछ भी करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज उनको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ मूठ ये दिखावा कर रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लगता ऐसा, ठीक है। चलिए अभी हम और मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए देख लेते हैं, आई केयर अलॉट अबाउट यू, वो आपके बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मैंने ये दिल हमेशा के लिए तुम्हारे नाम कर दिया। यू आर माई सोल मेट अगेन, तीसरी बार आया है गाइज। देखिए यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी एट सच अ डीप लेवल, आप ही है जो उनको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ट्रायंगल, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मेरे दिल को कहीं आराम नहीं,
यस योर फीलिंग्स आर करेक्ट, बींग अराउंड यू वार्म्स माई हर्ट, आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, उनका कोई मतलब ऐसा इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, तुम बहुत सुंदर लगती हो, आई एम रियली बिजी, वो बिजी हैं अभी, वी विल मीट अगेन, हम दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज बहुत ही अच्छे कार्ड मुझे मिले हैं, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को आपको पता चल गए हैं। अभी हम देख लेते हैं चार्म्स रीडिंग, उसके बाद डाइस रीडिंग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ड्रीम, वो आपके ड्रीम लेते हैं, तीसरी बार ड्रीम का आया गाइस। देखिए आपकी पिक्स को देखते हैं, अपने लोकेट में रखते होंगे या अपने वैलेट में रखते होंगे, यहाँ पर आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्पाई करते होंगे या किसी के थ्रू करवाते होंगे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका समय बदल रहा है गाइस, अच्छा समय आ रहा है, स्पाई अगेन, स्पाई आपको मिनट में भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपसे दूर तो कभी गए ही नहीं गाइस, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नो कांटेक्ट में है या नो कम्युनिकेशन जोन में है या लॉन्ग डिस्टेंस पे है, वो कभी आपसे दूर तो हुए ही नहीं, वो आपको हर पल हर क्षण जो है देखते रहते हैं, किसी के थ्रू पूछते रहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे दूर तो कभी हुए ही नहीं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी पर हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि डाइस रीडिंग, देखिए गाइस, देखिए वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट मूव आपकी तरफ है, वो उनका दिल जो है चलना बंद हो गया है, उनकी दिल की धड़कनें बंद हो गई हैं, चाबी आप ही के पास में है, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में जब वो आएंगे, पैशनेट बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत पैशन इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, आपकी तरफ वो खींचे चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहे हैं कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी चीज़ में, मैंने बताया कि थर्ड पार्टी में फंसे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं उनके दिल में, वो मेडिटेशन भी करते होंगे या गॉड को उन्होंने सरेंडर कर दिया, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उनका निशाना गाइस आप ही के ऊपर है, ठीक है। वो आपको भूले नहीं है, आपकी तरफ आ रहे हैं, मैंने बताया कि ब्रेक थ्रू यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग, BDEGHKNOPQTVW उनकी रीडिंग है। आई होप गाइज रीडिंग आपको रिजल्ट हुई हो, अगर रिजल्ट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू AICFMUXZLRJYS को चुना है उसकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं गाइज। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं गाइज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वाओ गाइस देखिए, आपकी पर्सन जो है हो सकता है कि कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, क्रिएटिविटी पर ज़्यादा उनका फोकस है, हो सकता है कि कोई जो है यूट्यूब चैनल उन्होंने खोल रखा हो या कोई ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है अभी उनका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग विद द फ्लो, फ्लो में बहे जा रहे हैं, फ्लो में बहे जा रहे हैं, और जो है कंट्रोल, वो अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ का गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि सिचुएशन के आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, इसकी वजह से उनको गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर सिचुएशन पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन जैसे लाइफ ले जा रही है वैसे ही बहे जा रहे हैं। ये देखिए कंप्लीशन, उनकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई गाइस, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में फंसे हों, वहाँ पर उनकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, और अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे स्टेप कैसे लेना है, कैसे मैं इससे बाहर निकलूँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कह सोचते हैं कि भी मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे गाइस दिखाई दे रही है, जैसे देखिए झूल रहे हैं सिचुएशन में, वो झूल रहे हैं, ठीक है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, वो बहुत परेशान हो चुके हैं झूल झूल करके। ये देखिए, यानी कहने का मतलब है कि दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको भी उनको हैंडल करना है, और अपने जो है हो सकता है उनकी फैमिली हो, ठीक है, थर्ड पार्टी या कोई और हो, उनके बीच में ये फंसे हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है, साइकिल कंप्लीट भी हो गई है, अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्टेप आगे कैसे लेना है, ठीक है। और वो अपने वर्क पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि टैरो से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। वाओ गाइस, एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी अभी बैलेंस हो रही है, एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
वाह डेविल, मैंने बताया वहाँ पर थर्ड पार्टी है, यानी कि साइकिल इनकी कंप्लीट हो गई है, थर्ड पार्टी यहाँ पर आ गया है कार्ड, ठीक है। वहाँ पर वो अपसेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, सोच जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो मिला है कि वो उनसे क्लियर कट कम्युनिकेट भी कर रही हैं कि मुझे तो यहाँ पर जो है आपने फंसा दिया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और उनके जो विचार हैं वो उनसे मैच नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। और वो देखिए, वो एक हैप्पी फैमिली उनके साथ बनाने गए थे, लेकिन उल्टे वो फंस गए हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है थर्ड पार्टी काफ़ी इगोइस्टिक लग रही है मुझे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ एक के फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अपने फैमिली में फंसे हुए हों ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, आप दोनों में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसी के जस्ट नीचे आए हैं एट ऑफ वैंड्स, अभी वो आपसे जो है बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे उनकी जो एनर्जी है वो चेंज लग रही है, क्योंकि वहाँ पर वो परेशान हो गए थर्ड पार्टी में, और वो वहाँ से जो है बाहर निकलने की सोच रही है, उनको बहुत ज़्यादा एंगर आ रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे या अपने ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज उनके फादर फिगर हैं वो, उनसे वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी वही है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आप दोनों को वो बातचीत करने नहीं देना चाहते हैं। ये देखिए, ये जस्ट इसी के पास में आए हैं, तो वो चाहते नहीं हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर हो, लेकिन वो परेशान हो गया आपके पार्टनर, आपके पार्टनर ने अपने फैमिली को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी उनका मन जो है आपसे बात करने का कर रहा है, सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, तो वो शायद अनब्लॉक भी करेंगी या आप अनब्लॉक करें, ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे तो बहुत ही सैड की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, कि जैसे वो फ्लो में बहे जा रही है, अभी आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं गाइस। आप यकीन नहीं करेंगे कि अपनी फैमिली से परेशान हो गए, वहाँ पर थर्ड पार्टी उनके फादर हैं, और आप दोनों में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी वजह से नहीं हो रहा है, अभी वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं गाइस, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वाह गाइस, क्लियर कट कम्युनिकेट, यानी कि आप दोनों में जब बातचीत होगी तो ज़बरदस्त जो है हॉट टॉक हो सकती है, आप लोगों को सोच समझ करके वर्डों का इस्तेमाल करना है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि फिर से एक दूसरे को हर्ट हो जाए, और आप जो है हॉट टॉक के चक्कर में आप फिर से अपनी लाइफ को ख़राब ना करें गाइज। अगर वो आना चाहते हैं तो आप बैठ करके और पीसफुल रेजोल्यूशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके दिल में अभी बहुत सारे इमोशंस आपके लिए आ रहे हैं गाइज। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो स्ट्रेंथ का है, कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, और स्ट्रेंथ जुटा करके वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज में फंसना तो आसान है, लेकिन थर्ड पार्टी से निकलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है उनके लिए, ठीक है। वहाँ पर उनका हार्ट ब्रेक हुआ है और बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो भी जो है उनके साथ में उनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फादर हैं वो उनको बार बार जो है अपने रूल रेगुलेशंस की से अवगत कराते होंगे, क्योंकि पहले भी वो रूल रेगुलेशन पर ही चला रहे थे उनको, और इसकी वजह से जो है आपके पार्टनर उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं इतने सालों से। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम से आपका रिलेशनशिप जो है ऐसे ही चला जा रहा है, गोइंग विद द फ्लो में आपके पार्टनर बहे जा रहे हैं, और अभी तक एक्शन नहीं लिया है, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल भी हो गए हैं यहाँ पर, और किसी किसी को जो है 8-9 साल भी हो गए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका रिलेशनशिप ऐसे ही चला जा रहा है, लेकिन इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, वो आगे इनको ठीक करने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं कहीं ना कहीं जो है समझ आने लगा है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ में लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, मुझे उनको खुशियाँ देनी चाहिए, और इसलिए वो है अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, और एंजल्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एंजल्स का सिंबल है ये, एंजल उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप टेंशन ना लें, ठीक है, और आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है ट्रैवल करके जरूर आएंगे गाइस, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जस्टिस मांग रहे हैं खुद के लिए भी, और आपको भी वो जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो मुझे अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। ये देखिए गाइस, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार है, इसके जस्ट नीचे है टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि दोनों प्रकार की एनर्जी हैं, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो अट्रैक्शन अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जस्ट नीचे इसके है द चैरियट, एक्शन तो जरूर लेंगे गाइस, आप टेंशन ही ना लें, एक्शन जरूर लेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। चलिए एक दो कार्ड इससे देख लेते हैं।
एक्शन तो आपकी तरफ जरूर लेंगे। वाह गाइस, ड्रीमर, आपकी ड्रीम लेते हैं, ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, आपका ड्रीम लेते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने गलती से वो डिसीजन लिया था, जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, ठीक है, अभी वो आपको ही चुनने वाले हैं। द व्हील, वाओ गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, समय बदल रहा है, अनएक्सपेक्टेड जो है चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, ये आपकी तरफ जो है ट्रैवल करके आएंगे, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड भी मुझे मिला है कि वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ये देखिए, वेरी नाइस गाइस, ठीक है, वाओ, अवेकनिंग, सभी चीज़ों को उन्होंने एनालाइज कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सभी चीज़ों पर फोकस डाल के देखा है कि क्या सही है क्या गलत है, अभी तक जो हुआ है हमारे साथ वो क्या सही था या गलत था, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है, वो सब कुछ उन्होंने देखा है। और अभी गाइस वो है सिचुएशन को ठीक करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग ने भी बताया है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ गलत हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में, और अभी वो सही डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, और एक्शन लेंगे। यहाँ पर मुझे एक्शन का पहले भी कार्ड मिला है, द चैरियट का, देखिए, ये देखिए, एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है अभी एनर्जी बैलेंस हो रही है और अपने अंदर वो बैलेंस बना रहे हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जी है उसको बैलेंस बना रहे हैं, यानी कि इमोशंस और लॉजिक दोनों चीज़ों को वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि पहले लाइफ में अगर कोई बंदा ज़्यादा इमोशन हो जाएगा तो भी परेशानी, ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को लेगा तभी परेशानी आएगी, तो इसलिए बैलेंस बना करके चलना चाहिए गाइस, तभी लाइफ जो है बेटर चल सकती है, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं आपके लिए गॉड मैसेज क्या है। देखिए गाइस, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए, यानी कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी मदद करने चाहे और आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हेल्प करे तो आपको उसकी मदद लेनी चाहिए, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है बेटर हो जाए, ठीक है। जीवन उद्देश्य फर्स्ट पाइल में भी आया था, आपको क्या करना चाहिए, आपकी सोल का पर्पज यही है कि लोगों को गाइडेंस दीजिए, लोगों को जो है प्रकाश दिखाइए, अपने एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है लोगों को भी उससे गाइडेंस दीजिए, और इस पृथ्वी की जो है रखवाली कीजिए, जैसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। देखिए, भरोसा, ट्रस्ट रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना होता इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा, आप गॉड पर ट्रस्ट रखिए, गॉड यही कह रहे हैं। देखिए, इसके जस्ट नीचे है, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है, यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ चला आ रहा है काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से हमारी रिलेशनशिप ऐसे ही खराब चला आ रहा है, तो गाइज आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि गॉड ने किसी विशेष पर्पज के लिए आपको यहाँ पर भेजा है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं कुछ लोग, यहाँ पर सोलमेट भी हैं, तो ये सारे कुछ तो कर्मांस आपको क्लींज करने ही थे, और चेंजेस तो आएंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है बदलती है टाइम पे, तो शाश्वत तो कुछ भी नहीं है, यानी कि सभी कुछ बदलता है, शाम के बाद सवेरा आता है, सवेरा के बाद जो है फिर से शाम आती है, तो धूप के बाद छांव आती है, छांव के बाद धूप आती है, इसी तरह से चलता रहता है लाइफ का चक्र जो है वो, तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस जरूर आएंगे गाइज, आप गॉड पर ट्रस्ट रखिए। चलिए अभी आपके पार्टनर की मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज है उनकी तरफ से, ठीक है। देखिए गाइज, I still have a lot of learning to do before I am ready for this. उन्होंने बहुत सारे लेसन सीख ली हैं। I am coming in one season. यहाँ पर I have to pull away because I am scared. New beginning are coming. देखिए, नई beginning आ रही है, ठीक है। उनको डर लगता है आपकी तरफ आने में, कि वो सोच रहे हैं कि कभी आप उनको accept ना करें। Your dreams of me are accurate. आप उनके सपने जो लेते हैं ना वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो भी लेते हैं कहीं ना कहीं आपके सपने। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू इन इट। वाओ गाइज, देखिए, आपके बिना तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ की। यू आर माई ट्रू लव, आप उनकी ट्रू लव हैं, ठीक है। यू आर माई ट्विन फ्लेम सोलमेट, वेरी नाइस गाइज, आप उनकी ट्विन फ्लेम हैं। कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट भी हैं, दोनों कार्ड निकले हैं, ठीक है, तो आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, तो अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि उनके और मैसेज, लव मैसेज क्या हैं। देखिए गाइस, बहुत सारे निकल आए, इतने क्या करेंगे। देखिए गाइस, तुम्हें छूने का दिल करता है, म्यूजिक, उनको म्यूजिक बहुत पसंद होगा या आपको पसंद होगा। आई केयर अलॉट अबाउट यू, वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, मेरे दिल को कहीं आराम नहीं है, ठीक है,
विश कम ट्रू, आप उनके विश कम ट्रू हैं। हो सकता है कि गॉड से उन्होंने विश मांगी हो। और डेस्टिनी, ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है, डेस्टिनी अपना रोल अदा कर रही है इसमें। गाइस मुझे तुमसे शादी करना है, वेरी नाइस गाइस। मैंने ये दिल हमेशा के लिए तुम्हारे नाम कर दिया, आई लव यू। मैं बेचैन हो रहा हूँ। फ्रेंडली, वो आपके साथ में फ्रेंडली बात करना चाहती हैं, तुम्हें देखने का मन करता है। योर वॉइस इज सो सूदिंग, आई नीड टाइम, फॉरगिवनेस। ठीक है, तो ये थे गाइज आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज। अभी हम चार्म रीडिंग कर लेते हैं। देखिए गाइज, दो दो आए हैं, वो आपकी पिक्स को बहुत देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, आपकी पिक्स को अपने पास रखते भी होंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है एयरफोर्स या आर्मी में हो सकते हैं, और आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं गाइज। आपके साथ ही अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ में फर्स्ट मीटिंग उनकी फेवरेट थी। ठीक है, वो आपको लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर इंटरवेंशन हुआ था, जिसकी वजह से आप जो है अलग हुए थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है गाइज, एकदम एक्यूरेट। ये देखिए म्यूजिक आपके सामने निकाले मैंने, ये देखिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं कोई फोर्स में हो, पुलिस वगैरह में भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं टाइम टाइम पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो एरोप्लेन से आपके पास आएं, ठीक है, या फिर एरोप्लेन की तरह फास्ट आपकी तरफ आएं। मुझे यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि डाइस रीडिंग। वाओ गाइस, अटैचमेंट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चुंबक की अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, पैशन इग्नाइट हो रहा है। पहले वाले पाइल में मुझे मिला था, ठीक है, उनका जो है दिल धड़कना बंद हो गया, उसकी चाबी आपके पास में है। यहाँ पर प्यार बहुत है, एल है, या आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल भी हो सकता है। वो आपकी तरफ स्टेप जरूर लेंगे गाइज, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है, यहाँ पर वाओ गाइज, वो आपको फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मेरे को कार्ड भी मिला था यहाँ पर, मैंने बताया था आप लोगों को, और उनके अंदर पैशन इग्नाइट हो रहे हैं। वो आप ही की तरफ जो है आ रहे हैं, बहुत ही सैड की एनर्जी में है, आप ही की तरफ उनका निशाना है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही गाइस। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। और ये सभी साइन के लिए, क्योंकि इसमें सारे साइन आ जाते हैं इतने सारे कार्ड में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी साइन के लिए रीडिंग है। ठीक है, आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।